तो ये थी 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें, रुक करेंगे हमारी खास सेगमेंट स्पेशल रिपोर्ट का। और सबसे पहले हम बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान के बाड़मेर में बीती रात एक MiG-21 विमान क्रैश हो गया है और इस हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। विमान क्रैश होने से उसमें आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई और तब जाकर के आग पर काबू पाया गया, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताया। एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी आदेश दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि उड़ता ताबूत कहे जाने वाला MiG-21 कब तक उड़ान भरता रहेगा और कब तक देश के होनहार युवा पायलट ऐसे ही शहीद होते रहेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना घटी हो। इससे पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है और इसीलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है ताकि इस पूरे मामले की गहनता से जांच हो सके और सच सामने आ चुके कि आखिर टेक्निकल फॉल्ट था या फिर मैन्युअल। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें राजस्थान के बाड़मेर की हैं, जहां एयरफोर्स का MiG-21 विमान हादसे का शिकार हो गया और दो होनहार पायलट शहीद हो गए। वायुसेना का फाइटर प्लेन MiG-21 बाड़मेर के भीमड़ा गांव के पास गुरुवार रात करीब 9:10 पर क्रैश हो गया। हादसा इतना भयानक था कि विमान के परखच्चे उड़ गए और उसका मलबा करीब आधे किलोमीटर तक बिखर गया। हवाई जहाज गिरने से यहाँ पे लगभग 15 फीट तक गहरा गड्ढा हो चुका है। हादसे का शिकार MiG-21 एयरफोर्स का ट्रेनी विमान था। इलाके के लोगों के मुताबिक हादसे से पहले MiG-21 भीमड़ा गांव के आसपास उड़ान भर रहा था और इसी दौरान उसमें आग लग गई थी। दोनों पायलट ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग लगने के बाद भी वीरता के साथ विमान को सुनसान इलाके की ओर मोड़ दिया, जिसकी वजह से आबादी वाला इलाका इसकी चपेट में आने से बच गया। अगर विमान ऐसी जगह गिरता जहां आबादी थी तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। गांव में ही बैठा था तब विमान ऊपर से आया, आग लगी हुई थी। यहां राउंड लगा के गांव के ऊपर होते हुए आग लगी हुई थी। फिर यहां गांव में ऊपर देखा भाई जनसंख्या है नहीं से, या गांव है आबादी बसी हुई है, उन्होंने सूझबूझ के तरीके से यहां पे लैंड कर दिया और जवान थे वो भी शहीद हो गए, उनको सैल्यूट करते हैं। बाड़मेर का प्रशासनिक अमला भी रात में ही मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का जायजा लिया। जो विस्तृत जानकारी है वो एयरफोर्स अथॉरिटी से दे पाएंगी और जैसा आप देख पा रहे हैं मौके पे उनकी इंक्वायरी चल रही है और इस संबंध में अभी और कोई सूचना हम उनसे नहीं ले पाए, लेकिन दोनों पायलट शहीद हो गए हैं ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। और क्योंकि ये खाली एरिया में क्रैश हुआ तो कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। क्रैश के बाद एक बार फिर MiG-21 को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। पहला सवाल तो यही कि MiG-21 बार बार हादसे का शिकार क्यों हो रहा है? MiG-21 के हादसों में कब तक हम देश के युवा पायलट्स को इस तरह खोते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि बार बार हो रहे हादसों के बाद भी MiG-21 एयरफोर्स का हिस्सा क्यों है? ऐसी क्या मजबूरी है कि एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद भी पुराने हो चुके MiG-21 का इस्तेमाल किया जा रहा है? आखिर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना उड़ता ताबूत बन चुके MiG-21 को कब रिटायर करेगी? MiG-21 का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। 1965 से लेकर 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध और बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी F-16 को गिराने में MiG-21 ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। लेकिन सवाल यह है कि 1964 में एयरफोर्स में शामिल MiG-21 कब तक पायलट्स की जान लेता रहेगा? साल 2012 में तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने जानकारी दी थी कि वायुसेना में शामिल होने के बाद से 482 MiG-21 विमान हादसे के शिकार हो चुके थे। इन हादसों में 171 पायलट शहीद हुए। 2013 से 2021 तक MiG-21 20 बार क्रैश हुआ है और इस दौरान 6 पायलट शहीद हुए हैं। बार बार हो रहे हादसे ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि MiG-21 के इस्तेमाल को लेकर जल्द से जल्द कोई फैसला जरूर लेना होगा ताकि इस तरह के हादसों को टाला जा सके। शिवानी शर्मा और भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही शिवानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवानी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जब रिपोर्ट आएगी तब वाकई में सच सामने आ जाएगा, लेकिन शुरुआती जांच में शिवानी क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये हादसा क्यों हो सकता है? देखिए, आपको बता दूं कि MiG-21 बाइसन विमान था, उत्तरलई एयरबेस जो है बाड़मेर में, वहां से इसने उड़ान भरी थी और बताया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग सॉर्टी थी और ये दोनों पायलट्स ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेन्ड पायलट्स थे और 9:10 पर ये हादसा हुआ है। जैसा कि लोकल बताया कि इस विमान में पहले ही आग लग गई थी और उसके बाद इसको कोशिश करके ऐसी जगह पर लैंड कराया इन पायलट्स ने जहां पर आबादी नहीं थी, तो वाकई में अपने आखिरी पलों में भी, मुश्किल पलों में भी लोगों की जान बचाने की सोची इन पायलट्स ने। और जहां तक बात है कारणों की तो ये जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन अब तक के जो MiG-21 के हादसे हुए हैं उनमें ज्यादातर में टेक्निकल फॉल्ट भी पाई गई है। हालांकि MiG-21 के कुछ विमान ऐसे हैं जिनको अपग्रेड किया गया है और भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ये जो विमान है इनको ठीक कर लिया गया है और जब भी कोई विमान उड़ान भरता है तो उससे पहले उसको चेक किया जाता है, कोई टेक्निकल स्नैक तो नहीं है, उसके लिए पूरी कोशिश की जाती है कि उसको देख के इंश्योर करके तभी उसको सर्विस में रखा जाता है और उड़ान के लिए तैयार रखा जाता है। लेकिन क्या वजह रही है ये देखने वाली बात होगी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, दो पायलट्स की जान चली गई है और अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, पिछले 1.5 साल में आधा दर्जन से ज़्यादा मिग हादसे हो चुके हैं, पायलट्स की जान जा चुकी है और लगभग 200 से ज़्यादा पायलट्स अब तक MiG-21 क्रैशेज में अपनी जान गंवा चुके हैं जब से इंडक्शन हुआ है इसका भारतीय वायुसेना में, तब से अब तक। तो बार बार सवाल उठते हैं MiG-21 के ऊपर कि आखिर क्यों यही वो विमान होता है जिसमें हादसे होते हैं और बार बार हमारे जो होनहार पायलट्स हैं उनकी जान जाती है, लेकिन फिर भी क्यों इन्हें नहीं बताया किया जाता। बिल्कुल, भंवर पुष्पेंद्र पे हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। भंवर, देखिए किस तरीके से MiG-21 को उड़ता ताबूत कहा जाता है, ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी हमने लगातार इस तरह की घटनाएं देखी है, 200 से ज्यादा पायलट हम खो चुके हैं। सवाल ये कि आखिर इतनी घटनाओं के बाद भी क्यों MiG-21 एयरफोर्स का हिस्सा है? अजी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल आज से नहीं, कई सालों से उठ रहा है, क्योंकि राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो बाड़मेर जिले में, जिस जिले के अंदर ये घटनाक्रम हुआ है, उसी एकमात्र जिले की अगर हम बात कर लें तो इस जिले में 9 साल में 8वां मिग क्रैश है। 12 फरवरी 2013 से लेकर 28 जुलाई 2020 तक यहाँ पर आठ विमान वो गिर चुके थे। ये 9वां विमान इस बार जो भीमड़ा के अंदर हुआ है हादसा वहां गिरा है और दो जो पायलट हैं वो उनको शहादत हुई है। आप देखिए कि जिस तरीके से बार बार इस विमान पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ये बेड़े में शामिल रहा और जब ये शुरुआती बेड़े में शामिल हुआ था उस वक्त बड़ी भूमिका इस MiG-21 ने निभाई थी, लेकिन अब चूंकि या तो समयावधि ज्यादा हो गई है या फिर टेक्नोलॉजी का कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है, जो भी तकनीकी कारण है उस पर विचार करना जरूरी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन जो दो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए इतना कहा जा सकता है कि कल उन्होंने बहुत ही एक साहस भरा कदम उठाया, क्योंकि जब ये मिग उड़ रहा था उस वक्त ही उसमें आग लग गई थी और गांव के ऊपर से ये निकल रहा था। ये हादसा अगर गांव के ऊपर हो जाता तो शायद बहुत ज्यादा जनहानि हो सकती थी, लिहाजा दोनों पायलट्स ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उसे एक सुदूर क्षेत्र में ले जा करके और छोड़ा और वहां पर उन दोनों की भी मौत हुई, दोनों शहीद हो गए। बिल्कुल भंवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। शिवानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।